एवरीवन, माय नेम इज सूर्यांशी खंडेलवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 ज्योग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या आपने कभी देखा है कि स्काई के बाद स्काई जो है आफ्टर सनसेट कैसा लगता है। स्काई आफ्टर सनसेट ऐसा लगता है, देखिए इस टाइप से होता है स्काई और हमें ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हुए लिटिल स्टार्स दिखते हैं, ठीक है, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स की जैसे लगते हैं। तो हमें वहां पे एक चमकता सितारा और दिखता है जो एक ही है हमारे पूरे यूनिवर्स में, वो क्या है, मून, ठीक है। तो ये हमारी मून है और ये सब चीजें आउटर स्पेस में मिलती है। ये सब चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, स्पेस में मिलती है, ठीक है। सो द अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर, सन मून प्लैनेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सन मून प्लैनेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमें इसमें प्लैनेट्स में, हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम में, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज में जो हम देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में आती है सन मून और स्टार्स। सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आते हैं, हमारे सन मून और स्टार्स आते हैं जो कि हमारे चमकते हुए सितारे हैं, ठीक है। नाउ डिस्कस सेलेस्टियल बॉडीज और सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर भी हम सन मून अर्थ प्लैनेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और एस्टेरॉइड्स और मीटेरियर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये सब तो जान लिया, लेकिन जो अर्थ है वो अपने अपनी जगह पे क्या करती है, रोटेट करती है। मतलब कि देखिए, अर्थ अपनी जगह ही रिवॉल्व कर रही है, तो सॉरी रोटेट हो रही है अपनी जगह ही। तो इस रोटेट होने को क्या बोलते हैं, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं वो एट प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है, जो अर्थ है अपनी जगह पर ही घूम रही है, ये क्या है, रोटेशन। और इस रोटेशन पीरियड को कितना टाइम होता है, कितना टाइम लगता है, पूरे 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और अर्थ जब सन जो अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और सॉरी ये सन है और ये अर्थ है, और अर्थ पूरी अपने चक्कर लगा रही है सन के, रिवॉल्व कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, जो अर्थ है जो सन के चक्कर लगा रही है उसे क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और वो कितने टाइम पे कंप्लीट करती है लगाने में, 365 डेज में वो वन राउंड पूरा करती है सन के रिवॉल्व को कंप्लीट करने में, मतलब सन के रिवॉल्यूशन को करने में। तो आई थिंक आपको फर्स्ट ही समझ में आ गया होगा कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन रिवॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। तो यही सब चीजें हम लोग हमारी ज्योग्राफी के अंदर यही सब चीजें डिस्कस करेंगे, अर्थ में क्या क्या प्लैनेट्स है, कहाँ कहाँ पर है, इसके जो भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम इस चैप्टर में वो सब भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।